आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो A53s 5G जो डिवाइस इस डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट को ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। अपडेट का न्यू वर्जन क्या देखने को मिलता है, अपडेट के साथ में क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिले हैं, आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और क्रॉस 13 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा ओप्पो की ओर से, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो A53s 5G डिवाइस के न्यू अपडेट के बारे में बात करें तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे वहां पर आपको आपके डिवाइस में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा जिसका आपको लास्ट में वर्जन चेक करना है। C.14 का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में C.14 का न्यू अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आपको विद इन 5 डे का वेट करना है, उसके अंदर अंदर ये अपडेट भी आपको आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा। एंड MB साइज के बारे में बात करें तो 891 MB के आसपास ये अपडेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपडेट के साथ में चेंजेस के बारे में, तो सिक्योरिटी की बात करें तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज को प्रोवाइड किया गया जो कि सितंबर मंथ का देखने को मिलता है, और अपडेट के साथ में आपको हॉरिजॉन्टल लेआउट फॉर लॉक स्क्रीन में आपको ऐड कर दिया गया है। ये पहले यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था, अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसके साथ में आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे उन्हें यहाँ पर फिक्स किया गया ओप्पो की ओर से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और क्रॉस 13 का जो बीटा फॉर्म है वह यहाँ पर कब तक लाइव किया जाएगा, तो ओप्पो की ओर से ऑफिशियली रोड मैप प्रोवाइड किया गया, उसमें आपके डिवाइस का नेम देखने को मिलता है। आपका डिवाइस का नेम यहाँ पर Q2 2023 में देखने को मिलता है। Q2 2023 में आपको 3 मंथ देखने को मिलते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। इन 3 मंथ में ऑफिशियली कंफर्म किया जाएगा ओप्पो की ओर से कि आपके डिवाइस के लिए क्रॉस 13 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर किस डेट को लाइव किया जाएगा। तब तक के लिए आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट आते हैं उसे आपको अपडेट करके रखना होगा, तभी आपके डिवाइस में क्रॉस 13 का बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। यार इस छोटी छोटी हम यही था, अगर इच्छुक तो एक लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं, टेक केयर।